तो गाइस बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, ये देखो ये ना उससे मेट करने जा रहा है, वो ना रिजेक्ट कर रही है उसे, वो देखो रिजेक्ट कर रही है, ओला रिजेक्ट कर दे उसे, ये देखो तू खा ले अपना आराम से, इसकी आंख की चोट काफी बेटर हो गई है, देख रहे हो काफी बेटर हो गई है। गाइस यहाँ पे रात को ना मिलन चल रहा है रोशनी का, रोशनी ही अब हमारे पैक में दोबारा आ गई। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ योर फेवरेट चैनल नमितोलॉजी। और ये देखो मेरे हाथ में कौन है, मेरे छोटा सा बबलू। और शिवाय को हम स्कूल छोड़ा है, बस अब घर जाके आज की दिनचर्या स्टार्ट करते। सबसे पहले देंगे अपने डॉगीज को खाना, फिर इस डॉगी को खाना खिलाऊंगी, ठीक है ना, है ना जीजू। चलो अंदर चले अंदर। कल ना मैंने आपके साथ शेयर किया था ये जॉसेरा का ना, तो ये 4.5 किलो का पैक है उनका, ठीक है। तो यही जो पैक है ना, ये मैंने सबसे पहले जब अमेजोन से ऑर्डर किया था ना, मैंने यही पैक ऑर्डर किया था। ये ना इसके 900 ग्राम के ना आप समझ लो मिनी पैक्स हैं। तो इसमें ना अलग 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 फ्लेवर है, जैसे ये वाला जो है वो सैलमन एंड पोटैटो है, ठीक है। और ये वाला जो है उसमें अलग फ्लेवर है, ठीक है। और मतलब हर उसका अलग अलग फ्लेवर है। ये वाला जो है तीसरा पैकेट, ये वही डक एंड पोटैटो है जो हमने जिसका अब 15 kg का खरीदा, क्योंकि हमें उसका वो अच्छा लगा है, ठीक है। और ये वाला जो है ये भी एक अलग फ्लेवर है, इसमें भी सैल्मन है, ग्लूटन फ्री है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है इसकी कि तो ग्लूटन फ्री प्रोडक्ट्स है। कई लोगों के मैंने कमेंट्स देखे कल के व्लॉग में कि पैक्ड फूड मत खिलाओ। गाइस पैक्ड फूड में बुराई नहीं है अगर आप उसको एक अच्छी क्वालिटी का खिला रहे हो। तो ये वाला जो पैक फूड है ना जोसेरा का, एक तो ये प्योरली ग्लूटन फ्री है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप वेजिटेरियन फैमिली हो तो आपके लिए ये वाला फूड तो सबसे ही बेस्ट है, क्योंकि आप वैसे तो फिजिकली चिकन लाके अपने डॉग को नहीं दे पाओगे। तो यही तरीका है कि आप उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हो, क्योंकि ये भरा पड़ा न्यूट्रिएंट से। तो गाइज ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो जोसेरा का फूड है, ये सच में बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है सुपर प्रीमियम पेट फूड की, तो ये काफी प्रीमियम रेंज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइज ये जो 5 packs हैं 900 ग्राम के ईच हैं, ठीक है। तो ये 4.5 किलो का आपको टोटल सुपर वैल्यू पैकेट पड़ता है। इसका MRP 4400 है, तो आपको ऑलमोस्ट 880 के करीब आप मान के चलना आपको एक पैकेट पड़ेगा अगर आप ये मिनी वाला लेते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी डिस्काउंट लग जाएगा, इसका कूपन कोड जो है, और इसका जो ऑर्डर करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ। कई लोगों ने बोला कि अमेजोन पे नहीं मिल रहा, पर गाइज ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ। तो आप चाहो तो ये 5 के 5 packet मिनी वाले जो है ऑर्डर कर लो। एक तो ट्रैवल फ्रेंडली पैक्स भी हैं। तो हमने जब ट्रैवल किया था तो हमें काफी परेशानी हुई थी कि हमें ना कितना उठाना है, कितने पैकेट्स ले हैं, क्या करें। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली पैकेट्स भी हैं गाइस, देखो 900 ग्राम है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो फॉर ट्रैवल। प्लस 5 अलग अलग फ्लेवर हैं, तो उसमें ये होगा कि आप अपने डॉग को एक बार ट्राई भी करा सकते हो उसको कौन सा पसंद आ रहा है। डक एंड पोटैटो वाला, ये वाला, तो हमारे लेडी वाली बच्ची को डक एंड पोटैटो बहुत पसंद आया था, तो हमने फिर ये वाला उनके लिए फाइनली 15 kg का ऑर्डर कर लिया, कल भी दिखाया था। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक्स छोड़ दिए हैं, अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर्स करते हो तो आपको ये लोग डिस्काउंट भी दे देंगे। कल रात को ना 1 बजे मैं लेडी ऑली को नीचे ले आया था, क्योंकि बब्बा ना एक ऐसी आवाजें निकाल रहा था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसको मेट करने नहीं दे रहे। तो अब सारा पैक नीचे है, सिर्फ बब्जी ऊपर है। सुबह सुबह पार्क में आए हैं 6:30 बजे, क्लोई भी फ्री होने आई है, जोई अपना फ्री हो गई है, ओला अपना अलग घूम रही है। और ये देख लो ये रोशनी है, बेटर हो गई है तू है, है? ये देख लो ये भी घूम रही है हमारे साथ, वो उधर, दो वो उधर, और सबसे मेन करेक्टर जिसकी वजह से सारा पैक नीचे है वो ये बैठा हुआ दिख रहा है आपको, ये लो और जूम करो, ये देखो, समझे मेरी बात। ओला भी फ्री हो रही है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी देर मैं इनको बाहर छोड़ दूंगा उस पिंजरे में, ये सारे आपस में खेल लेंगे। आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं गाड़ी के अंदर से, क्योंकि मोहतरमा बैठी हुई है ऑरेंज और नीली डेनिम पहन के, और हम जा रहे हैं कहीं सरकारी दफ्तर, और सरकारी दफ्तर हमारा कोई काम निकल आया तो हमें जाना पड़ेगा। और हम जा रहे हैं दिल्ली में एक जगह जिसको कहते हैं ITO। ITO की फुल फॉर्म पता है तुझे?
इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑफिस, ठीक है, तो हमें नहीं पता आईटीओ हुआ, अब आईटीओ जा रहे हैं। और यहाँ इतना बुरा हाल है ना, इतना बुरा हाल है, ये देख लो। और अभी भी यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है 14 किलोमीटर और 37 मिनट। 14 नहीं होता था, और डिक्शन को क्या हुआ है तुम्हारी? मैं तो बिल्कुल ही खराब हो गया हूँ। 14 बोलते हैं, बोलो एक बार 14। 14। 14 फिर 14। 14। फिर 14। बोल। 4 के आगे 14। 14। What is 14? 14. 14. 13. 14. 13. 14. फिर 14. 13. 14. 13. 14. तो गाइस, मम्मी मेरी डिक्शन ठीक कर रही है और मुझे ना अभी हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता मंडे के दिन नींद आ रही है और आज कोई एक्सरसाइज नहीं की मैंने सुबह। मैं ना थक गया हूँ लिटरली। मेरे को ना मतलब कहते हैं ना लेजी संडेज होते हैं, ऐसा नहीं है, लेजी मंडे भी होते हैं और मेरा तो है आज। और हम शिवाय को लेने नहीं गए, शिवाय को आज नानी ने पिक किया और शिवाय की आज है स्पीच थेरेपी की क्लास, वो भी नानी कराएंगी। थैंक यू नानी इफ यू आर वॉचिंग दिस। भाई साहब बेइज्जती करती रहती है हर हर मिनट में। और ये देख लो मैडम फुल टू तैयार हो गया है। कहाँ तैयार हुई हूँ, क्या है, जिम की टी शर्ट और नीचे जीन, मतलब कॉम्बिनेशन भी इतना कर दिया मैंने। 14 और कहाँ से पता नहीं क्यों लग रही है, मेरी तबीयत बहुत खराब है इस वजह से। ना ब्लॉग थोड़ा आजकल एक घंटा देरी से आ रहा है, सॉरी। एक बार ना टाइम भी रिवाइज करवा। मैं ना पता क्या सोच रहा हूँ, मैं ना आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं ना आपके कमेंट्स लेता हूँ अपने जेएन जोई पे। तो मैंने काफी कमेंट्स नमितोलॉजी में भी पढ़े हैं ब्लॉग के नीचे। लोग कहते हैं कि आप ना इधर के भी कमेंट्स लिया करो जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट मैं पढ़ लेता हूँ। मैं आप लोगों से ना एक पूछना चाहता हूँ, कुड यू प्लीज गिव अस सम बफर इन द व्लॉग टाइमिंग। नमितोलॉजी का व्लॉग कितने बजे आना चाहिए, जिनके ज्यादा आंसर्स आएंगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि ना 11, 11:30, 12 बजे तक आए और मेरा आए रात को 8 बजे। यार व्लॉग बनाने का टाइम मिल जाता है, तू समझी मेरी बात? हाँ, दो व्लॉग होते हैं, ठीक है, ऊपर से दिनचर्या में तुम ऑफिस का काम भी करते हो। तो गाइज एक बार आप देखो आपको क्या कंफर्टेबल है, जो ज्यादा कमेंट्स जिस टाइम के आएंगे हम वो टाइम चूज करेंगे। वैसे सुबह का टाइम 10:30 है, जो आज थोड़ा सा लेट हुआ है, दो तीन दिन से एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लेट हो रहा है, और मेरा तो 5:15 है या 6:15 है। तो मैं चाहता हूँ 5:15 है तो तुम्हारा रोज ही लेट है। मम्मी तो ब्लॉग ही नहीं बना होता, कमेंट सेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैं ऑफिस का काम भी तो कर रहा होता हूँ। तो बेफालतू की मैं आपको पका रहा हूँ, अगर आपको पका रहा हूँ तो पार्डन मी, ठीक है मम्मी? गर्मी बहुत है यार। चल कोई सी नल्ली बीवी हो। सो गाइस, मेरी बीवी मुझे गालियां दे रही है। क्या है, गालियां क्यों दे रही है तू मुझे? मेरे को रोड पे उतार दिया, ठीक है, बंगला साहब गुरुद्वारा जी के सामने, और वहाँ पे कह रहे हैं आइसक्रीम लेकर मैं उतर गई, और उतरे में सिग्नल खुल गया, आगे पता नहीं कहाँ पहुंच गया, मैं भागती हूँ। गाइस मैं गाड़ी तो रोक नहीं सकता था, मैंने इसको सिर्फ बोला था ये देखो जो दो आइसक्रीम मंगवाई थी, एक तो मैंने खा ली, दोनों ही तो फिर दूसरी मैंने ये खा ली। अभी फेंकते हैं ना, रोड पे गंद नहीं मचाना मन्नी, बेसिक चीजें थोड़ा ध्यान दे तू। अब हम वेट कर रहे हैं शिवाय का, और अगर शिवाय को हमने ले लिया दोपहर के 2 बजे तो मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज। आज लेजी मंडे है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जे भी हमारे साथ आएगा, तो मुसीबत कोई नहीं है, बट है भी, मतलब अब मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, बट क्या करूँ। और अब यहाँ से आने वाले हैं वो, और हम वेट कर रहे हैं, जैसे वो आएंगे ना तो मन्नी अपनी ममता बिछेड़ेगी उनके ऊपर। नींद आ रही है। तो गाइस आ गए मेरे दो करण ते अर्जुन। ये ना डब्बा लेके आ गया ना, बड़ा मुश्किल हो चला। कोई नहीं, मैं एक काम करूंगी, कल पहले यहाँ आ जाऊंगी, फिर कर लेंगे चेंज। चलो आ जाओ ऊपर, बच्चे बैठाओ, मम्मी वो रोड पे जा रहा है यार। चलो ताया आ गया, आओ शिवाय, वेलकम। चलो मम्मी चलना है घर, नानी घर। ये हैंड में क्या रख दो, रख दो है जे, नानी घर चलना, मम्मी मम्मी निकलना है। ओके ओके चलो कितना तेज हो रहा है, कि मुंह पे क्या लगा है? चल ले भाई आगे, है कह रहे नानी को बाय।
समझदार हो गया छोकरा, हुआ छोकरा जवारी। शिवी क्या खा रहे हो, मैक्रोनी? हाँ, गुड बॉय। सो गाइस, बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। ये देखो, ये ना उससे मेट करने जा रहा है, वो ना रिजेक्ट कर रही है उसे। वो देखो, वो रिजेक्ट कर रही है। अब देखो एकदम ना दहाड़ेगी, ये देखो, ठीक है, वो रिजेक्ट करेगी अभी थोड़ी देर के अंदर। हाँ, ये देखो पकड़ लिया उसका, ये रिजेक्ट कर रही है। हाला, रिजेक्ट कर दे उसे। ये देखो ठीक है, वो रिजेक्ट कर रही है उसे बार बार। देख रहे हो, इसकी हीट सिर्फ एक दो दिन की रह गई है मैक्सिमम। और ये देख लो, ये तो पागल हुआ है, बिल्कुल पागल। और इन दोनों को फर्क ही नहीं पड़ता, सारी फीमेल से रख ली हमने, गलती कर दी, सारे मेल्स होते। और यहाँ पे ये देख रही है कि हो क्या रहा है। जला ओला ना बब्जी के पास भी नहीं आ रही है, वो उसे रिजेक्ट कर चुकी है और ना अपना गुस्सा दिखा रही है। आपने पहली बार देखा होगा लेडी ओली का गुस्सा, बट रियलिटी में ओला ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको दोबारा जा रहा। अब वो जाके शायद सुसु करेगी और बोलेगी कि मुझे नहीं चाहिए। वो देखो शांति से, ये तीनों फीमेल्स अपनी घूमती हुई और ये हमारा मेल हुआ हुआ पागल। ओला वो कह रही है मुझे घर ले चलो। अब देखो सिर्फ आवाजें सुनना ओला की। ओला अभी बैठने वाली है, अभी थोड़ी देर में बैठ जाएगी ये, और देखो अब रिजेक्ट करेगी उसके बाद। ये देखो भाग रही है उससे, तू देख लो, उसे रिजेक्ट कर दिया बब्जी को। ये देखो बब्जी की आवाज देख रहे हो कैसी हो गई है, लीश से इतना ज्यादा दबाव बना दिया इसने अपने ऊपर। हैं, देख लो, देखो बोला तक नहीं जा रहा इससे। नहीं आएगी वो बेटा, तेरे हाथ नहीं आएगी। तो गाइस फॉर्चुनेटली ना रोशनी पास में ही बैठी हुई है, तो मैं इसको दोबारा खाना दे रहा हूँ। और ये है हमारा एक्सटर्नल फूड, और ये देखो ये तीनों दवाइयाँ मैंने मिला दी हैं। इसको मैंने भिगो के रखा था, जैसे ही ये मिलेगी ना तो मैं इसको ये दे दूँगा ताकि इसका पेट भर जाए। अभी तो थोड़ा सा देता हूँ और उसके बाद पानी ज़्यादा डल गया, मुझे भी लग रहा है पानी ज़्यादा कम। अच्छा कम अजा। अरे यार इसकी बहन आ गई, हद हो गई। वैसे ना इसकी ये लड़की हमेशा कभी भी टाइम पे नहीं आती है। ये ले। और ले, यहाँ चार्ली भी आ गया। चालिए अभी हट जा बेटा, तेरा टाइम नहीं है अभी, उधर जाओ तो मैं उधर देता हूँ मैं। और यहाँ ये दोनों के दोनों गए हैं और ये मेरे साथ आ गई है। अच्छा 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 खाले 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 गुड। तो ये तो, इसको तो मिल गया फाइनली। और ये दोनों ना आपस में लड़ रहे हैं। दामिनी ना चार्ली को भी डोमिनेट करती है, मैंने ये भी देखा। हट जा। हाँ, तो अब चार्ली को मिलेगा थोड़ा सा। ये बहुत बुरा हाल किया हुआ है, इनको तो मैं कंटेनर दे ही नहीं सकता। वो देखो दोनों गुस्सा कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है वही है देख लो, पर फिर भी ग्रोथ दोनों की ठीक है। और इनका ना ध्यान इधर नहीं जा रहा, अब चला गया इसका ध्यान उसकी तरफ।
भाग गया यहाँ से। ठीक है ना, वो खा रही है ना चुपचाप। अभी बैठ जाओ, तो खा ले अपना आराम से। इसकी आँख की चोट काफी बेटर हो गई है, देख रहे हो, काफी बेटर हो गई है। गाइस यहाँ पे रात को ना मिलन चल रहा है रोशनी का। रोशनी अब हमारे पैक में दोबारा आ गई है। अब उसको ना थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब देख लो वो खेल रही है जोई के साथ और क्लोई के साथ। देख लो मस्ती मार रहे हैं तीनों के तीनों अंदर। चलो कम आ जाओ। जोई इनमें से सबसे बड़ी है, फिर रोशनी है, फिर क्लोई है। तो ये रात का टाइम है, 11:30 बज गए हैं और ये देख लो मिलके ना मस्ती मार रहे हैं। वो देखो उसके ऊपर फिर दोबारा चढ़ रही है। क्लोई नहीं बाज आती, मैंने देखा है। आ जाओ जोई कम। ओ मस्ती मार रहे हैं। ओ देखो वो तो उसके ऊपर भी चढ़ रही है। इन्होंने पकड़ लिया रोशनी को, है ना। तो गाइज ये देख लो, सोशलाइजेशन ना ऐसा नहीं है कि आपको ब्रीड डॉग्स की ब्रीड्स के साथ ही करानी है, हर एक डॉग के साथ होनी चाहिए। देख लो भाग गए उधर, और अभी सुन नहीं रहे हैं मेरी बात। अब जैसे अंदर जाऊंगा ना फिर ये सीधा सीधा हो जाएंगे बिल्कुल सारे के सारे। अभी मैं तो पार्क के बाहर खड़ा हुआ हूँ, ये देखो। ओए होए बहुत मजा आ रहा है इनको, बहुत मजा आ रहा है। बोलो जोई आजा, चलो। तो गाइस रात के बज रहे 11:30 और ये ना मैडम जो है ना हमारी, वो देखना गेट के बाहर खड़ी है, क्योंकि ना हम लोग ऐसे चिल मारने के लिए बाहर आए थे तो मौसम अच्छा था आज। एकदम ना गर्मी ही नहीं है इस टाइम पे, है ना, मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है। तो हम राहुल और मैं ऐसे ही बैठने आए थे थोड़ी बातें बातें करने, और मैडम को देखो आज ये मैडम नीचे है, क्लोई भी नीचे है अंदर, और बब्बा वाला ऊपर है। राहुल बब्बे वाले की खत्म हो गई क्या, वो अलग बांधा हुआ है चेन से, अगर रात को बब्जी ने चेन तोड़ दी तो। एक बार मैं देखना चाहती हूँ कहाँ है दोनों के दोनों। तू अंदर चल, तू क्या कर रही है, चल अंदर। नहीं वो दिखेगी, दिख नहीं रही ना। अच्छा अच्छा समझ गई मैं, बब्बे को अंदर गेट के अंदर गया। आप कमन लग गया नीचे, आप तो ओला के साथ ऊपर रहते हो ना। तो गाइस बब्जी को ऊपर ना भेजना ही पड़ा, क्योंकि ना बब्जी जो है ना वो बहुत बोर हो रहा था नीचे। वो कह रहा था मुझे ऊपर जाने दो, यहाँ से ना नज़ारे भी नहीं दिखते ना। ये तो आराम से बैठ गए, देखो दोई। ओए दो दो चोनी मोनी डोजी मेरा दो दो। गाइस इसका ना पट्टा बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, हमने अमेजोन से लिया था। अब मैं इसको लेदर वाला पहनाऊंगी जैसे हमने ओली और बब्जी को पहनाया था पिथौरागढ़ में, है ना। चल कर ले आराम, हम भी जाएंगे सोने इसके बाद। बेटा यहाँ नहीं सोना, घर के अंदर जाना है, जाओ घर के अंदर जाओ आप। चलो ये देखना कैसे लेट गई है दहलीज के ऊपर, है